आप सर आप बात करना चाहेंगे? मैं मीडिया से हूँ, दो मिनट अगर आप अपना देना चाहें। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज अ स्टूडेंट, इनफैक्ट वी आर गोइंग टू टॉक टू दिस स्टूडेंट एंड ही लिव इन दिस हॉस्टल। अपूर्वा, लेट्स टॉक टू हिम। सर, in fact, he is on the phone. So this way that whole vandalism had happened yesterday, you can clearly get a sense that how it all occurred. And in fact, the students who were in fact disabled, they were physically disabled, they were also not spared. So there you can see one of the students who was also in fact hit by the people who were in fact doing the ruckus whole around the area. So this is one of the student. We'll talk to him there once he put down his phone. But he's yes. Sir, आप का नाम क्या है? सर, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा हूँ। मास्टर्स मैंने यहीं से किया हुआ है। और यहाँ पर सर कल शाम को 4 बजे एक मॉब आई और वो शोर मचाती हुई निकल गई। 6:50 पे यहाँ पर मेरे दरवाजे को लॉक किया गया जोर जोर से, उस पर रॉड और लाठी के हमले से, फिर विंडो को तोड़ दिया गया। आप विंडो देख रहे होंगे सर, और वो सारा शीशा मेरे सर पे आके लगा। और उस समय मैं कैप लगाया हुआ था इसलिए मेरा सर सुरक्षित रहा। और कुंडी टूट गई, फिर वो अंदर आके मुझे मारने लगे सरिये से। मैं कहता रहा कि मैं ब्लाइंड हूँ, मेरी सुरक्षा करो, मुझे छोड़ दो। तो कहते रहे ये झूठ बोल रहा है। उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। शराब में व्यक्ति डर और दया दोनों को खो देता है। वो निडरता से और निर्दयता से हमले कर रहे थे और कह रहे थे इनको सबक सिखाना है, नानी याद दिलानी है। और वो सिर्फ ये सोचकर कि ब्लाइंड है, मेरे हाथ पैर मतलब नहीं तोड़े कि मैं आपके सामने देख के खड़ा हूँ। लेकिन उन्होंने सर मेरा हाथ पूरा सूजा हुआ है, ये पूरी मतलब आपको अभी अटैक किया, दे मैनेज टू गेट इन, वो अंदर आ गए। यस यस सर, अंदर आके और रूम के अंदर अटैक किया है। और ये जो शीशा वगैरह फैला हुआ था मैम ने हटाया है यहाँ से। अच्छा, हटवाया है यहाँ में दिखाई दे रहा है ऊपर की ये विंडो पे। हाँ, दरवाजे ये पूरा विंडो तोड़ दिया है सर, टूटी हुई है। हाँ, पोस्टर्स हाँ, तो हो सकता है पोस्टर्स की वजह से, मुझे नहीं पता सर। वो इंसान मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली इल्म नहीं था कि कुछ इस तरह की चीज हो रही है? कितने बजे एग्जैक्टली हो रहा था? 6:50 हो रहे थे। अच्छा, 45 पे शोर शराई दिया तो मैंने अंदर से कुंडी बहुत जोर से लगा ली, लेकिन मेरी कुंडी ऊपर जाके मुड़ नहीं पाती है। अकेले ही थे? बिल्कुल सर, मैं अकेला था और मेरा रूममेट नहीं है सर। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो सर फिर वो दरवाजे को लॉक किए और मैं बोलता रहा मैं ब्लाइंड हूँ, रहने दो, मेरा दरवाजा मत तोड़ो। तो उन्होंने इतनी जोर जोर से उस पर हमला किया और शीशे को मारा सरिये से, तो वो शीशा सीधे मेरे सिर पे आके लगा सर। ओके, लेकिन तब आपने उस समय कुछ पहना हुआ था जिसके कारण आप बच गए? हाँ जी सर, सर पे नहीं चोट लगी, बाकी सर शरीर में बहुत मारा है, सरिये से मारा है। तो मतलब अंदर घुस करके आपको पीटा? फिर पीटा मारा और फिर जब पता चला कि ब्लाइंड है तो कहा कि इसे मारने से कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो। फिर एक कहता रहा नहीं झूठ बोल रहा है, तो एक दरवाजे के पास खड़ा रहा। मुझे लगता है बहुत देर तक मुझे देख रहा होगा शायद, देखने के लिए, जज करने के लिए कि हाँ आप सही में ब्लाइंड या नहीं। हाँ जी, कितनी देर तक रहे होंगे सर? सर ये लगभग 20 मिनट तक चला और 1 घंटे तक पूरे माहौल पूरा दहशत में और बिल्कुल कैंपस में पूरा हॉस्टल सर, कैंपस का मुझे नहीं पता, पूरा हॉस्टल। और आप उसके बाद जब ये लोग चले गए उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सर मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त मिर्जा भाई और भी लोग, प्रेसिडेंट, सब लोग मेरी हेल्प करके मुझे गेट तक ले गए। तो पुलिस वाला एक कहता है कि इनकी वीडियो बनाओ। अच्छा, मतलब कि जो हेल्प कर रहा है उसकी वीडियो बनाओ, जिसने तोड़फोड़ की उसकी वीडियो बनाओ। मतलब पुलिस की भी इनसेंसिटिविटी थी कि वो आपको देखने के बाद भी आपसे? पुलिस सर अपनी कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर रही थी, पुलिस बिल्कुल मुझे संवेदनहीन और बिल्कुल मतलब इसका ह्यूमन बीइंग पर भी इंसानियत होने के नाते उसका क्या रोल है, क्या उसका? कितने बजे करीब पुलिस आपको मिली? मतलब जब जैसा आपने बताया 8:30 के आसपास पुलिस मिली। आप बाहर चले गए थे? हाँ जी सर, फिर एम्बुलेंस से मुझे ले जाया गया ट्रॉमा सेंटर, वहाँ मुझे इंजेक्शन पेन किलर वगैरह दिया गया और अभी स्वेलिंग है सर और मैं रात भर से परेशान हूँ। कॉल्स मेरे पास इतनी आ रही है, बैठ जाइए, कॉल्स इतनी आ रही हैं सर। हाँ, कि तू मीडिया फेस बन जाएगा, तुझे बताना नहीं है किसी को। अच्छा, इस तरह की धमकी भी आ रही है? इस तरह की धमकी आ रही है सर, लेकिन अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। और अब मैंने कल एक पल के लिए बोला था मीडिया से कि मेरा चेहरा ना दिखाएं, लेकिन आप मुझे आप ले जाकर दिखाएं किसी को भी, मुझे कोई डर नहीं है। और मेरे साथ जो गड़बड़ हुआ है सर, मैं चाहता हूँ किसी और के साथ ना हो और इस तरह की दहशत हो, इस तरह के माहौल में हम पढ़ाई नहीं कर सकते। बैठ जाइए। अब आपके साथ जब बर्बरता हुई तो आपको हॉस्पिटल
जाया गया, आप हॉस्टल हॉस्पिटल से कितने बजे? मुझे यहाँ का कोई भी स्टाफ और पुलिस हेल्प नहीं की, हमें हॉस्पिटल के लिए यहाँ की स्टूडेंट्स ने हेल्प की सर। अच्छा, हॉस्पिटल से कितने बजे आप डिस्चार्ज हुए? हॉस्पिटल से मैं 1 घंटे में डिस्चार्ज हो गया था, और वहाँ ट्रॉमा सेंटर से मुझसे भी अधिक चोट लोगों को आई है, मुझे तो कुछ भी नहीं आई है सर। ठीक है। मुझे तो स्वेलिंग हुई, मेरे हाथ पैर तो सुरक्षित हैं सर, लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, सर फोड़ दिया गया है, लोगों के सर से हाथ पांव से खून निकल रहे हैं सर। ठीक है। कई लोग आईसीयू में हैं। ओके। ये जो हॉस्टल रूम है, ये आप इस वाले रूम में कब से रह रहे हैं? ये मैं यहाँ पे सर 5 अगस्त को शिफ्ट हुआ था। 5 अगस्त को? हाँ जी सर। ठीक है। इससे पहले जो रूममेट था मेरा, उसके ये लगाए हुए फोटो वगैरह हैं, यहाँ के फोटो से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं चित्रों की दुनिया से परे हूँ, आवाज़ की दुनिया में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे दिखाई बिल्कुल नहीं देता है, और मुझे ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि मेरे साथ ये सब होगा। ठीक है। तो अभी डर है या पैनिक आपके अंदर? बार बार कॉल्स आ रही हैं सर, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। कहाँ से आए हुए, कहाँ के? अननोन नंबर। मैं सर देवरिया से आया हुआ हूँ व्यक्ति। अच्छा। हूँ। और तो अभी आप जाने का कुछ इस तरह का लग रहा है कि आपको सर मैं जा भी, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया यहाँ से। हाँ सर, मैं जा भी नहीं सकता और रह भी नहीं सकता सर। अच्छा, मतलब अभी घर जाने का नहीं, लेकिन आपको रहना यही होगा अभी? हाँ जी सर, क्योंकि मेरे बहुत सारे कार्य अभी बचे हुए हैं, और कोई भी सर मतलब अपने जान को ही मतलब सुरक्षित, मेरे माँ बाप डरे हुए हैं, रो रहे हैं, उनके कारण मैं अपना फोन स्विच ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ। बार बार फोन पे कॉल आ रही है कि तू ब्लाइंड है, तुझे नहीं मीडिया फेस बनना है, तुझे गलती से लग गई है भाई, तू सॉरी यार। अच्छा, इस तरह से बोला जा रहा है, आप इस तरह से अपने आप को बताओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्टूडेंट ही है। अच्छा, जो अननोन नंबर है वो? हाँ, वो स्टूडेंट ही है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि तेरे विषय में हम जानते हैं, तुझे गलती से मारा है यार। अच्छा, मतलब अब वो रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से तुम मत बोलो कि तुम्हारे, क्योंकि उनके उनको डर है कि संवेदना लोगों के प्रति ज्यादा है, तुम ब्लाइंड हो तो हमारा फिर और ज्यादा मतलब गहरा जो भी होना होगा वो और अपने लेवल पे होगा, और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होगा। So here you heard the voice of this, in fact, student and who live in this hostel, and there you can see the window panes. He was telling us about his whole thing, what all he had faced yesterday. However, he is still in panic. He is still in the tense situation. He is in the situation like that. What he has to do, he is not known about that. But the whole situation is like that. Apurva, back to you.